हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मीरियावर और आज आपके लिए लाया हूं नया वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा विदाउट प्रोफेशनल एडिटिंग आप अपने फोटोज या फिर वीडियोस को एक प्रोफेशनल लुक कैसे दे सकते हैं। जी हां गाइस, विदाउट एडिटिंग आपको कोई भी एडिटिंग स्किल नहीं चाहिए, बस एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। बस उसको इंस्टॉल करना है एंड आपको जो है प्रोफेशनल लुक मिल जाएगा अपनी फोटोज या फिर वीडियोज में। सिंपली करना क्या, आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं सो दैट आपको जो हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे बेस्ट वाला फीचर जो ये है कि अगर आपके पास कोई पिक है जिसमें आउट ऑफ फोकस है या फिर उसमें ब्लर है या फिर उसके पिक्सल जो है ब्रेक हो रहे हैं तो उसको आप इन्हेंस कर सकते हो, उसको एक नया लुक दे सकते हो। तो आपको जो है पिक ऐसी मिलेगी कि जैसे एक DSLR से ली हुई हो। मैंने खुद इसको यूज़ किया है, मैंने खुद देखे इसके रिजल्ट्स एंड दीज रिजल्ट्स आर द बेस्ट। आई एम टोटली शॉक्ड एंड आप भी जो है इसको यूज़ कर सकते हो। एंड सेकंड वाला जो बेस्ट फीचर है, अगर आपके पास कोई ब्लैक एंड वाइट पिक है उसको आप कलराइज कैसे कर सकते हो वो आप इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को है जो है आप पूरा एंड तक देखें सो दैट आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। एंड सॉफ्टवेयर जो है आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीधा लेके चलता हूँ आपको वीडियो की तरफ, अपनी स्क्रीन की तरफ, सो दैट मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज अगर हम इस एप्लीकेशन की बात करें तो इस एप्लीकेशन का नाम है रीमिनी। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये रही वो एप्लीकेशन। तो आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड मैं आपको जो है लिंक दे दूंगा प्ले स्टोर का, तो वहां से आप सीधा इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको ओपन करके आपको फीचर्स दिखा देता हूं एंड इसको कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो सिंपली मैं इसको ओपन कर रहा हूं। तो पहले ही बता दूंगा ये कि ये जो एक एप्लीकेशन है ये पेड है, तो इसमें आपको डेली 10 ट्रायल्स मिलते हैं डेली। तो आप जो है 10 फोटोज़ रेगुलरली आप इससे एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं। पहला है जो एनहेंस प्लस, ये प्रो फीचर है। इसके बाद वीडियो एनहेंस, ये भी आपको प्रो फीचर मिल रहा है। डी स्क्रैच आपको फ्री में मिल रहा है। पेंट, पोर्ट्रेट, स्केच, रेट्रो, कलराइज, ड्रामी, ब्लिंक, फेसमो, एनिमेट, स्लोमो, डिस्कवर, ये जो है आपको ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि इसमें आपको कैसे करना है। तो सिंपली आपको जो है यहाँ पे एक एनहेंस का ऑप्शन मिल रहा है पहला, तो आपको बस ये यूज़ करना है। पहले इसको दिखा देता हूँ, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक जो है पिक्स आपके सामने खुल जाएंगी जो कि आपके फ़ोन में सेव्ड है। तो मैं कोई भी एक पिक उठाऊँगा इनमें से एंड उसको एडिट करके दिखा देता हूँ आपको। तो गाइज़ मैं जो है ये एक वाली पिक करने वाला हूँ। तो ये वाली जो एक ग्रुप फ़ोटो है इसको थोड़ा क्रॉप करना है या फिर रोटेट भी हम कर सकते हैं इसको। तो गाइस देखिए ये हमने एक ग्रुप सेल्फी ली थी, तो इसको मैं एडिट करके दिखाऊंगा यहाँ पे। फिर जैसे आप पिक्चर को जो है एडजस्ट करेंगे उसके बाद नीचे आपको रेड कलर का जो सर्कल दिखेगा उस पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर क्रिएटिंग टास्क जो है ऑनलाइन आपका जो पिक्चर है वो अपलोड हो रहा है एंड उसके बाद आपको एक ऐड दिखेगा। ऐड कंप्लीट होने के बाद आपके सामने जो रिजल्ट्स है वो आपको दिख जाएंगे, बट आपको जो है ऐड पूरा देखना है। इसी ऐड के थ्रू आपको जो है ये एक ट्रायल मिलता है। तो दिन के आपको 10 एड्स आते हैं एंड 10 एड्स के बदले में आपको 10 ट्रायल्स मिलती है। तो मेरा थोड़ा नेटवर्क का इशू है यहाँ पे, इस वजह से थोड़ा फेल हो रहा है। इसके लिए आपको एक फ़ास्ट कनेक्शन चाहिए सो दैट आपको जो है रिजल्ट्स विद इन सेकेंड्स मिल जाए। तो देखिए गाइस ऐड कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इस ऐड को कंप्लीट होने के बाद क्रॉस कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पिक जो है बिफोर एंड आफ्टर दिखा रहा है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो, आप वन बाय वन भी चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक पिक लोड हो चुकी है, यहाँ पे इनमें से आप सबको वन बाय वन कंपेयर कर सकते हो एंड वन बाय वन आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हो कंपेयर करके। तो देखिए यहाँ पे मेरी वाली पिक जो है बिफ़ोर एंड आफ्टर कंपेयर अभी दिखा देता हूँ पूरा, इसको लोड होने दो। देखिए यहाँ पे ये जो बिफ़ोर है ये आफ्टर है, आप रिजल्ट्स खुद देख रहे होंगे कि कितनी एनहेंस हुई है। आपको ऐसे दिखेगा नहीं क्योंकि ये जो पिक है थोड़ी जूम करनी पड़ेगी उसके बाद आपको दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो है तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ एनहेंस हो करके कैसे दिखेगी। तो देखिए यहाँ पे ये एनहेंस्ड मोड है, तो देखिए कितना जो है आपको रेजोल्यूशन हाई मिल रहा है बट आपको जो फाइल साइज़ है वो सेम रहेगा। तो देखिए बिफ़ोर एंड आफ्टर कंपेयर कीजिए या फिर कोई और पिक भी दिखा देता हूँ किसी और की। देखिए यहाँ पे इसको भी आप बिफ़ोर एंड आफ्टर चेक कर सकते हो, इसको भी आप देखिए बिफ़ोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कि कितना एनहेंस हुआ है एंड दिस वन ऑल्सो। तो ये वाली भी आप चेक कर सकते हो, देखिए कितना एनहेंस हो रहा है इसमें।
तो सिंपली आपको जैसे ही ये एनहेंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे डाउनलोड आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो जो है इमेज जो है एनहेंस्ड वो आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी, उसके बाद आप बैक करना है। तो ये रहा पहला फीचर, और दूसरा वाला फीचर मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपके पास कोई पुरानी पिक है जो कि ब्लैक एंड वाइट है उसको आप कैसे कलराइज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे कलराइज ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे देखिए कलराइज, इस पर क्लिक करना है। एंड जैसे पिक पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको जो है एक पिक सेलेक्ट करनी होगी। एंड देखिए यहाँ पे एक बहुत पुरानी पिक है, मैंने अब फेसबुक से डाउनलोड की थी, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही ख़राब है, पहले मैं इसको कलराइज़ करके दिखा देता हूँ, उसके बाद अब इसको मैं इन्हेंस भी करूँगा। तो देखिए यहाँ पे ओरिजिनल पिक है, एंड अब देखिए कलराइज्ड पिक, ये पूरी कलराइज हो चुकी है। तो इसको हम जूम करके भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, तो जूम करके भी आप देख सकते हैं या फिर कंपेयर करके भी देख सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ पहले, तो देखिए पिक्चर डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद मैं इसी पिक्चर को है इन्हेंस करके दिखाऊंगा, तो सिंपली यहाँ पे इन्हेंस पे क्लिक करना है, एंड जो लास्ट वाली पिक है इसको सिलेक्ट करना है, एंड हियर गोज ऐड वन मोर टाइम। तो यहाँ पे मैं ऐड को स्किप करूँगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे पिक्चर लोड हो चुकी है, तो मैं इसको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो आपको थोड़ा बहुत नोटिस होगा कि जो है इन्हेंस हो चुकी है। तो सिंपली मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, एंड आप देख सकते हैं कि कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स जो है कितनी इन्हेंस हो चुकी है। एंड इसके बाद जो है लास्ट वाला फीचर वो भी आपको दिखाऊंगा, सिंपली इसको डाउनलोड करूँगा पहले, एंड डाउनलोड करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा जो है इसमें जो लाइन्स है, जो फोल्ड फोटोकॉपी को फोल्ड करने के बाद वो लाइन्स आती है उनको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सिंपली मैं इस वीडियो को स्किप कर रहा हूं वहां तक। तो गाइस देखिए यहां पे पिक जो है पूरी जो है डी स्क्रैच हो चुकी है, स्क्रैच जो है गायब हो चुकी है। मैं आपको कंपेयर दिखा देता हूँ, ये बिफ़ोर है एंड ये आफ्टर है। आप देख रहे होंगे कि पिक्चर में जितने भी स्क्रैच थे वो जो है सारे के सारे गायब हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली कि कितना क्लियर हो रही है इससे। सो गाइज अगर ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा।